अहिल आप बात को समझ नहीं रहे। अम्मी ने शकील को ग्रेजुएट बताया अच्छी सैलरी के साथ, एक अपार्टमेंट का मालिक बताया जिसने तकरीबन अपनी सारी किस्तें अदा कर दी। अब आप बताएं, इतने बड़े बड़े झूठ। मुझे तो उस लड़की का सोच के दुख होता, इतने बड़े बड़े ख्वाब लेके आएगी वो इस घर, जब उसे सच पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस बेचारी पर। होना वही है जो अम्मी कह रही, तो बस फिर ठीक है, क्या करें। राहिल मैं जानती हूँ कि अम्मी के सामने बोलना सही नहीं, लेकिन इस हवाले से आपको बात करनी होगी, ये गलत है। आज नहीं तो कल इसी घर की बदनामी होगी। यार जैसा अम्मी कह रही है तुम वैसे बोल दो, बाद में सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं। बाद में कब राहिल, शादी के बाद, क्योंकि बकौल अम्मी के शादी के बाद लड़की वालों के मुंह बंद हो जाए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, कल शकील से बात करता हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ बस ऐसे ही, तुम बताओ सब ठीक? मैं क्या बताऊँ, क्या सोच रहे हो, परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो अम्मी छोटे के रिश्ते के लिए कहीं आ जा रही। अच्छा खर्चा आ रहा है इसलिए परेशान? बात खर्चे की नहीं है यार, अम्मी छोटे के लिए इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हैं कि समझ से बाहर। अब ऐसा भी नहीं है, अम्मी कह रही हैं कि वो काशिफ सर रजिस्टर साहब ने आपके लिए फाइल दी है। ठीक है मैं देख लेता हूँ, आप जाओ। यार अक्सर ऐसा होता है, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है। अक्सर ऐसा होता है लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, अम्मी ने उसे ग्रेजुएट बता दिया है, बैंक बैलेंस अपना है, घर का मालिक है और एक नए फ्लैट का मालिक भी है। ये वैसे कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा को तो पता नहीं लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है, अगर लड़की वालों ने हामी भर ली तो पता नहीं लड़की का क्या होगा। तो ऐसा करो ना, अम्मी को समझाओ। यार अगर अम्मी को समझा पाता तो यहां बैठकर तुमसे जिक्र कर रहा होता। एक तरीका है मेरे पास, अगर तुम उस पर अमल करो तो। ओके उसे बोलो कि यार मेरा जो भाई